इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर जिले के रमुआपुर गांव में और मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाऊं तो इस गांव की सैकड़ों बीघा जमीन जो है, खेत जो है, वो बाढ़ के पानी से ग्रसित है, बाढ़ के पानी में डूब चुकी है, किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कमर भर पानी में हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा जो बाढ़ के पानी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जाएगा। ये सब खेत हुआ करते हैं, फसल है जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। गाँव वाले भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर गाँव वाले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं उससे ये झेल रहे हैं। हर साल इस तरीके से पानी यहाँ पर बाढ़ का आता है? हाँ, हर साल आता है बाढ़ का पानी, हर साल। तो आप लोग रहते कैसे हैं? हम लोगों को यही होता है कि ऊपर छत पर रहते हैं, हम लोग छत पे चले जाते हैं। छत पे चले जाते हैं, बड़ी समस्या के साथ में जाते हैं। छत की बात इन्होंने की तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। घर का जितना भी सामान है वो इस वक्त छत पे रखा जा चुका है और छत पे ही खाना बन रहा है, सब कुछ छत पे ही हो रहा है। हाँ, सब चीज़ छत ही पे होता है, खाना बनने से लेकर सब कुछ। हाँ सर, पूरे गांव पानी से लबालब हो चुका है। ये बात है कि सरकार को इस बात पे देखना चाहिए कि गांव की कितनी समस्याएं आगे बढ़ रही हैं। सरकार को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे नरेंद्र दास मोदी जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया देश के बारे में, लेकिन जो ये गाँव की समस्याएँ हैं इससे लेकर मैं ये कहूँगा कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा गांव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार भी ये काम जल्द से जल्द करे। योगी जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँच रहे थे कि नहीं? सिंचाई विभाग यहाँ पे कोई भी नहीं आया, सरकार की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से परियोजना यहाँ पे कोई नहीं। जो किसान की बात सुनता कौन है ना? जरा बाबा आप रुकिए, कितना उम्र होगी आपका? हमारे साठ हुई। साठ? हमेशा हर साल इस तरह से पानी भर जाता है? हाँ, सब दिन पानी भर जाते हैं, कोई कभी बकाया नहीं रह जाते हर साल। तो कैमरा हम जहाँ भी कैमरा पैन करेंगे वहाँ इसी तरीके से बाढ़ का पानी हम देखेंगे। गांव के अंदर, गांव के बाहर, सड़क पे हर तरफ पानी ही पानी, बाढ़ से ग्रसित कई गांव यहाँ पर हैं। सीतापुर जिले के भी कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, रमुआपुर गांव ये है और मैं यहां पर आप देख पा रहे हैं ये घर है, गांव के जितने भी घर हैं वो सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लिहाजा जो लोग यहां पर गांव के हैं जिनका घर पूरी तरीके से डूब गया, मैक्सिमम घर इस गांव के का डूब चुका है और जो घर है उन्होंने अपना सारा सामान जो है वो छत पर लेकर चले गए हैं। हम इस घर के अंदर दाखिल होकर यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। कैमरा हम जहाँ जहाँ भी पैन करेंगे वहाँ घर में डूबा हुआ घर जो है बाढ़ के पानी में डूबा हुआ हम देखेंगे। देखिए इस वक्त हम एक घर में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ के घर में पूरी तरीके से पानी इकट्ठा हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा घर जलमग्न हो चुका है और घर का जितना भी सामान है उन सभी सामानों को ये यहाँ से निकाल कर ऊपर छत पर लेकर गए हैं। घर के कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। जरा आप इधर आइए, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या 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 दिक्कतें हो रही हैं, कितनी दिक्कतें हैं। पूरे गाँव में इस तरीके से जल भराव है, बाढ़ का पानी है ये और हर साल इसी तरीके से बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है। छोटे बच्चे जरूर खेल रहे हैं लेकिन इनके अभिभावक से पूछ रहे हैं, इनके पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, गार्जियन से पूछ रहे हैं, माता पिता से पूछ रहे हैं, तो वो असली दर्द वो बयां करेंगे। कितनी ज़्यादा आप लोगों को दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है? भैया परेशानी तो है ही, बहुत ज़्यादा। देखो कमरा दीवाले सब फटी गई हैं, दीवाले फटी गए अगला पूरा का पूरा घर जो है नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। तो ये तस्वीरें हैं सीतापुर जिले के एक गांव की और इस तरीके से हम अनेक तस्वीरें आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। घाघरा नदी यहां पर उफान पर है।
सीतापुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के अनेक गांव जो है बाढ़ प्रभावित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो कैमरा पैन करके आपको पूरे गांव की तस्वीरें दिखा देता हूं। जरा पैन करके दिखा दीजिए एक बार कि यहां पर जहां भी कैमरा पैन होगा हर घर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ आपको नजर आएगा। अब हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, एक घर के अंदर की तस्वीर, किस तरीके से जब बाढ़ का पानी लोगों के घर में एंटर करता है तो किस तरीके से लोग परेशान होते हैं, गाँव वाले परेशान होते हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और अब हम चलते हैं इस घर के अंदर। इस घर की तस्वीर हम अगर आपको हम बता दें तो ये घर इस घर के का जितना भी सामान था उन सभी सामान को ऊपर छत पर लेकर जा चुके हैं। खाना वगैरह सब कुछ अंदर हो रहा है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ घर के अंदर, घर के अंदर एंटर कर रहा हूँ और देखिए पूरा घर जो है पानी भरा हुआ है पूरे घर में। अरे भैया और लगातार ये जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इससे काफी ज्यादा परेशान हैं यहाँ के लोग, इस गांव के लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा घर जो है, ये पूरा घर जो है यहाँ नीचे कुछ रखा हुआ है क्या? हाँ। और यहाँ पर देखिए मैं अभी इस घर में अंदर एंटर कर रहा हूँ। अंदर की जरा तस्वीरें देखिए, घर की जो अलमारी है वो इस वक्त एक तख्त पर रखा हुआ है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। घर का सारा सामान छत पर लेकर जाया जा चुका है। पूरा घर जो है इस वक्त बाढ़ के पानी में डूब चुका है। जरा कैमरा पैन करके दिखाइएगा, पैन करके दिखाइएगा घर का एक एक कोना दिखाइए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। दादी जो हैं खटिए पे हैं। और देखिए बिजली तो है, होगी नहीं अभी? बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। हाँ, बिजली है नहीं। और आप देखिए पूरे घर में जो इनका बेडरूम है, ये बेडरूम जो है वो पूरी तरीके से इस पर इसमें जल भराव है, बाढ़ का पानी है। और हम हर एक तस्वीर आपको इस घर की दिखाएंगे कि किस तरीके से बाढ़ में परेशान हैं यहाँ के लोग। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को, खाना वगैरह कहाँ बना रही हैं? खाना वहाँ मामा के यहाँ से आया है, अभी तो शाम को बनेगा, यहीं छत पे बनेगा खाना। छत पे? या तो रिश्तेदार के यहाँ से आ रहा है नहीं तो छत के यहाँ, छत पे बनेगा या तो कहीं से आएगा रिश्तेदार के यहाँ से। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, पानी बहुत बढ़ रहा है, सुबह से बहुत बढ़ रहा है। हर साल इस तरीके से आती है बाढ़ के पानी? हाँ आते, हर साल आते है पानी इसी तरीके से, प्रॉब्लम। हाँ इसी तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं घर के अंदर इतना पानी है, घर का जितना भी सामान है उसको सुरक्षित छत पर लेकर गए हैं। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हर साल इसी तरीके से बाढ़ का पानी इनके घर के अंदर एंटर कर जाता है और इस तरीके से सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत के अनेक गाँव के लोग परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर जिले के रमुआपुर गांव में और यहां पर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। बाढ़ का पानी हर तरफ, जहां भी हम कैमरा पैन करेंगे, कैमरा पैन करके सबसे पहले हम आपको तस्वीरें यहां की दिखाते हैं। घर के अंदर तो पानी एंटर कर ही गया है, खेत जितने भी हैं उन सब जगहों पर हर जगह पानी ही पानी आपको दिखेगा। फसल का नुकसान हो चुका है, कैमरा जहाँ भी पैन कर रहा है केवल हमें पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इस इलाके के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में हम एक घर के छत पर मौजूद हैं, घर के अंदर की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं किस तरीके से बारिश के पानी से लोग परेशान हैं। अब अपने घर का सामान लोग छतों पर लेकर शिफ्ट हो गए हैं और वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए गेहूँ धोला गया है और इस गेहूँ को यहाँ पर सुखाने के लिए छत पर रखा गया है, देखिए ये। प्लस घर का जो सोने ओने का जो बिस्तर होता है, बेड सीट होता है, वो सभी सामान यहाँ पर रखे गए हैं और अलमीरा वगैरह सब कुछ ऊपर छत पर लाया गया है ताकि नुकसान कम से कम हो। और मैं आपको दिखाऊं, छत को ही किचन में तब्दील कर दिया है इन लोगों ने। और ऐसा ये एक घर नहीं है, इस तरीके से अनेक घर हैं जिन्होंने अपने छत को किचन में तब्दील कर दिया है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देखिए छत पर कटहल की सब्जी बन रही है, कटहल की सब्जी बना रही है। हाँ, कटहल की बना रही है। कटहल की सब्जी के साथ क्या है, रोटी है, चावल है, क्या है? रोटी है। हर तरफ तो पानी ही पानी नजर आ रही है। पानी तो सबको है। कब से है ये पानी? ये पानी कल से है। कल से ये पानी आ गया, आपके घर के अंदर एंटर कर चुका है। हाँ। कब तक रहेगा कुछ अंदाजा है? अब ये हमें नहीं पता है। हर साल आता है? हाँ, हर साल आता है।
कटहल के साथ रोटी और चावल दोनों हो गए। हाँ, चावल और रोटी। कितने दिन बाद छत पे खाना बना रही हैं? एक साल बाद। पिछली बार कब बनाई थी? पिछली बार भी बनाया था जब बाढ़ आई थी। हाँ। पिछली बार भी इन्होंने छत पे ही खाना बनाया था, आज इस बार पहला दिन है कटहल की सब्जी बना रही है। कटहल की सब्जी बना रहे हैं, पानी ज्यादा आ गया है इसीलिए। पानी ज्यादा आ गया है तो कटहल की सब्जी जो है छत पे ही बन रही है यहाँ पर। और इस तरीके की तस्वीरें जो है हर घर से इस गांव के देखने को मिलेंगी। लोग छत पर ही अपना किचन बना लिए हैं, घर का सारा सामान छत पर ही शिफ्ट कर लिए हैं।